दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मंदिरों में से एक है। जम्मू में त्रिकुटा पहाड़ियों में मौजूद वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं। नवरात्रों में लाखों की संख्या करोड़ों में भी बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने रावण के खिलाफ भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना करते हुए 9 दिनों का उपवास किया था, जिसे नवरात्र कहा गया। दोस्तों यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचने के लिए आपको कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी पड़ेगी। आइए आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे। यहाँ माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक भैरवनाथ से छिपी थी, इसी वजह से इसे गर्भार्जुन गुफा भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई माँ वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा में दर्शन दिए थे। हालांकि दिव्य गुफाओं को बहुत से जांचकर्ताओं को दिखाया गया, जिसके बाद यह पता चला कि गुफा 10 लाख साल पुरानी है। कथा के अनुसार जब माँ वैष्णो देवी ने भैरव का वध किया था, तब उनका शरीर इसी गुफा में रह गया था। वैष्णो देवी को सभी शक्ति पीठों में से दिव्य माना जाता है। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि माता सती का मस्तिष्क इसी स्थान पर गिरा था। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकांश महीनों तक बंद ही रहती है, वह इसलिए क्योंकि यह गुफा बहुत ही पतली है, इसलिए तीर्थयात्रियों को इसे पार करने में काफी समय लगता है। 2 गुफाएं मानव द्वारा बनाई गई है, जो आपको मुख्य मंदिर में रखी 3 पिंडियों तक ले जाती है। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक बोलिए जय माता दी।